ह्यूमन केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मिल्की मोहल्ला आरा में मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि इंजीनियर धीरेंद्र सिंह ने झंडोत्तोलन किया, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष अरशद जफर, सेक्रेटरी जाकिर हुसैन, शाही इमाम वहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर अनवर साहब, वार्ड पार्षद 25 की सलमा बेगम, सामाजिक कार्यकर्ता अंबर हुदा, एडवोकेट जमाल यूसुफ साहब, सोसाइटी के मेंबर शुएब अहमद, शाहरुख, वकील छोटू, मसीर जाहिद और मोहल्ले के तमाम लोग उपस्थित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर बुखारी साहब। अब मैं अपने मुख्य अतिथि भाई धीरेन्द्र जी से गुजारिश करता हूँ कि इस अवसर पर अपनी बातों को रखें। आज ह्यूमन केयर सोसाइटी के द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मिल्की मोहल्ले में आज मनाई जा रही है। इस समारोह में हम लोगों के इस शहर के और यहाँ के जो बड़ी मस्जिद है उसके शाही इमाम साहब, शबाब में उपस्थित डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई अरशद जी, हमारे बड़े भाई शब्बू जी, जमाल साहब, हमारे छोटे भाई जाकिर जी और इस संस्था के भी जो सचिव हैं जिन्होंने हमको निमंत्रित किया है उनको विशेष कर आभार व्यक्त करेंगे, जाकिर साहब को और हमारे छोटी बहन सलमा बेगम जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम इस मिल्की मोहल्ले के प्रबुद्ध नागरिक। ऐसे तो नियमानुकूल जब इस शहर में हमारे शाही इमाम जी जब बोल लेते हैं तो उसके बाद कोई बोलता नहीं, लेकिन आज हमारा झंडा तोलन में हमें मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया गया है तो दो शब्द कहने का अवसर हमें मिला है, तो मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। इस मिल्की मोहल्ले से हमारी बहुत पुराना नाता है, हम यही मीरगंज में रहने वाले, बचपन हमारी मीरगंज में बीती है और इसी मोहल्ले के रास्ते से आना जाना गोपाली चौक हो या शिवगंज हो, किसी भी तरह से इसी रास्ते से हम लोगों ने गुजरा है। सबू भाई के यहाँ तो हमारा 1980 से जब हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उस समय से यहाँ पर हमारा आवागमन है। जाकिर साहब के बड़े भाई जो है उनके हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, तो इस मोहल्ले से हमारा काफी लगाव है। डॉक्टर साहब ने इशारा किया है तो उस बात पर हम रख रहे हैं कि हमसे जो भी होगा और आप लोग को जानकर भी खुशी है कि हम लोग के जो आज सांसद हैं ये यहाँ पर तो इस मोहल्ले में दो दो बार आए, लेकिन अब कमी हम में है कि यहाँ की लोगों में कमी है कि उनके पास जाकर अपनी व्यथा को, जो कष्ट है उस कष्ट को नहीं कहा गया है, लेकिन सूचना जरूर दी गई है। डॉक्टर साहब ने जरूर बताया कि वैसा सांसद पहले न था और जो आज है, तो वो सामूहिक कार्यों के लिए दिन प्रतिदिन वो लगे हुए हैं। आज देश की हम लोग फिर कभी बात करेंगे समस्याओं के बारे में, लेकिन देश की आजादी जो हम 75वां मना रहे हैं उसके बारे में दो शब्द कहेंगे। हमारे शाही इमाम साहब ने इशारा किया है, पूर्ववर्ताओं ने भी इशारा किया है, लेकिन इतना जरूर है कि आज का तिरंगा जो 75वां अमृत महा उत्सव मना रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा
हर घर झंडा लगाने का जो संकल्प लिया गया है उसके पीछे एक ही मकसद है कि इस देश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो उसके पूर्वज या तो गुलाम रहे हैं या तो इस मुल्क को आजाद करने के लिए शहीद रहे हैं या इस मुल्क में जो है उनके वंशज हैं। तो उनकी याद में आज हम इस आज 75वां अमृत महापुरुषों हम लोग मना रहे हैं। लेकिन जो हम 25 वर्षों के बाद 2047 में जो हम स्वर्ण जयंती के रूप में हम भारत के आजादी का अमृत उत्सव जो मनाएंगे उसके लिए एक हम लोगों के बीच में चैलेंज, एक हम लोगों के बीच में समय निर्धारित है। उस निर्धारण में देश की कमियां, जो कमियां आज हम लोग 75 वर्ष में विकासशील के रूप में, हमारा 130 करोड़ का देश है, यहाँ पर एक से एक योद्धा हुए हैं, एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक से एक शिक्षाविद हुए हैं। इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक आज संदेश दिया है कि हम 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। विकसित राष्ट्र में पहली मानसिकता होगी कि हम खुले दिमाग से आजाद होंगे। हम जो आजादी मना रहे हैं, आजादी का मकसद ही है कि हम कभी गुलाम थे, लेकिन जिस दिन हम सोवा इस देश की आजादी बनाएंगे उस दिन हम लोग मानसिक रूप से भी आजाद रहेंगे। देश पूर्ण रूप से आजाद रहेगा, पूर्ण रूप से विकसित रहेगा। इस विकसित दौर में हमारे बच्चों जिनकी उम्र आज 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, उनके ऊपर, युवाओं के ऊपर, ये मुल्क अभी 65% युवा है। विश्व का सबसे बड़ा युवा देश अगर है तो वो भारत है। उनके ऊपर, उनके कंधों पर इस देश की जिम्मेवारी है कि किसी भी तरह से उन मुल्कों के आगे हमको बढ़ना है जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, उसके संदेश के साथ हमें विकसित राष्ट्र बनना है। आज उन शहीदों का भी हमको नमन करना है जिसने आज हमें आजादी दी है। उन लोगों के संघर्ष को भी याद रखना है जिन्होंने हमें विकास के दौर से आज यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए और देश को अपना समय जोड़ते हुए हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और एक एक दिन, एक एक पल बच्चों को ये बताना है कि अपने समय के साथ देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी शब्द और हम आप लोगों के बीच में देंगे, मिलेंगे, वो ये कि अगर देश के साथ, अगर एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नारे के साथ हम अगर चल रहे हैं तो वहां पर हमारा किसी भी तरह की अखंडता नहीं है। अखंड देश में अखंड हम लोग सभी हैं। इसलिए जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अभी भी अंग्रेजों के वंशज के रूप में हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, इसलिए 130 करोड़ जनता का ये देश है, तो वैसे लोगों को शिक्षा के माध्यम से अपने अपने व्यवहार से उनको बताना है कि हमारा देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है। हमारे एक दो शब्द और हम अपने माननीय सांसद आरके सिंह जी के बारे में बताएंगे। हम लोगों ने उस दौर से भी गुजरा है जहां पर बिजली की कमी रही है। आज पूरा देश अगर आत्मनिर्भर, अगर भारत शब्द को अगर दिया जाएगा, एक शब्द इस देश के लिए दिया जाएगा, तो बिजली के क्षेत्र में भारत आज